हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 13 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। पहली जो आज की हमारी मेन न्यूज़ आई है वह यह है, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल है यानी कि राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन या जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसके आधार पर जारी किया जाता है, क्या क्या इस पर इफेक्ट होते हैं और न्यूज़ क्या है, उनको सबको हम कवर करेंगे। देखो, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी और इसी को लेके काफ़ी मतलब कॉन्ट्रावर्सी से चल रही है कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस कौन सी वहाँ पे सरकार वगैरह बनाई। तो हुआ क्या कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी कि भाई हालात ठीक वगैरह नहीं हैं, और उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ट्यूसडे को अप्रूवल दे दिया कि भाई प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट है, लागू है, वो किया जाए। ये है सारी न्यूज़। अब हम देखो कुछ फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति शासन है वो किस आधार पर जारी किया जाता है, क्या क्या इसके इफेक्ट यहाँ पर आएंगे, और हम बात करें तो फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट आएगा और इसका जुडिशियल रिव्यू होता है या नहीं होता, उन सब चीज़ों को कवर हम एक एक करके करने वाले हैं। तो देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है। ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। अब कौन से पैरामीटर के आधार पर लगता है वो हम देखते हैं। देखो, दो पैरामीटर हैं। नंबर एक तो ये, जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, यानी हम सीधे शब्दों में बोलें तो जो स्टेट है या राज्य सरकार है वो जानबूझकर संविधान के जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन नहीं चल रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे रही हो स्टेट को और स्टेट अपनी मनमर्जी कर रहे हो, अपने ही आप बोल सकते हो कि एक तरीके से तानाशाही जैसा रोल चल रहा हो, उस कंडीशन पे प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 356 में तो देखो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे अगर राज्य में काम ढंग से नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और एक है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर सरकार के जो निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उनका अगर राज्य सरकार ढंग से पालन नहीं कर रही है, वो कैपेबल नहीं है, यानी कि सरकार की गाइडलाइंस को स्टेट नहीं मान पा रहा है, स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, स्टेट में जो भी कुछ हो रहा है वो, उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं। तो एक तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन तो इसका अनाउंसमेंट करता है और इसका जो अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है, वो कितने लंबे टाइम तक रहती है और क्या क्या आगे एक्शंस है वो ली जाती हैं। तो देखो, पहली बात तो यह है कि जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को लेकर अप्रूवल दिया तो मतलब ये 2 महीने के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट ने इन्हें, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भाई वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो ये 60 दिन के लिए वहाँ पर अप्लाई है वो होगा। बट अगर इन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर हमारी जो पार्लियामेंट यानी जो संसद है वो अगर साधारण, यानी कि हम बात करें तो जो सिंपल मेजोरिटी से, देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, इन 60 दिनों के अंदर अंदर ही अगर हमारी जो पार्लियामेंट है वो सिंपल यानी कि साधारण मेजोरिटी से पास कर दे कि हाँ भाई इस पे राष्ट्रपति शासन है वो लगना चाहिए, उस कंडीशन में ये 60 दिन है ये बढ़िया हो जाएंगे 6 महीने तक। मतलब अब राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक तो वहाँ पर अप्लाई है वो होगा। इसके बाद में 6 महीने खत्म हो जाएंगे या उससे पहले हैं, वापस इसको 6 महीने तक एक बार और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कुल मिला के अगर हम बोलें तो ये 1 साल तक अप्लाई है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो वो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को क्लियर रखना। जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में जब घोषणा होती है तब 60 दिन के लिए होती है, बट अगर इन 60 दिन के भीतर भीतर या 60 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, उस कंडीशन में ये 60 दिन बढ़िया हो जाते हैं 6 महीने तक, और इसके बाद में ये आगे 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। 1 साल तक मतलब 6 महीने के बाद वापस 6 महीने का आप ले सके, इसको 1 साल तक ही बढ़ा सकते हो। अब अगर आपने 1 साल तक तो बढ़ा दिया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर इन 60 दिन के भीतर पार्लियामेंट इसे पास ही नहीं करे सिंपल मेजोरिटी से, तो देखो ये 60 दिन के भीतर भीतर ही अपने आप कैंसिल है वो हो जाएगा, मतलब 61वें दिन अपने आप ही प्रेसिडेंट रूल वहाँ से हट जाएगा। अब देखो, ऐसे हमने इसको 1 साल तो एक्सटेंड कर लिया, अब हम आगे देखते हैं। अगर इसे 1 साल के बाद भी आगे हमें एक्सटेंड करना है ना, तो इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। 1 सेकेंड, हम खाली पेपर ले लेते हैं। हाँ, कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? अगर 1 साल से आगे हमें इसको एक्सटेंड करना है तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन तो ये है कि
भारत के पूरे हिस्से की अगर हम बात करें, या तो पूरे भारत में मतलब कंप्लीट इंडिया में, या फिर भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रपति शासन के अलावा इमरजेंसी लगी हो, यानी कि नेशनल इमरजेंसी है वो कहीं पे इम्प्लीमेंट की गई हो। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर भाई देश के किसी कोने में या पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस कंडीशन में इसे 1 साल से आगे भी हम एक्सटेंड है वो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये रखी गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल दें कि देखो भाई अभी जो हालात हैं उसमें इलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उस दौरान भी इसको 1 साल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। एक तो यूपीएससी आपको ऐसे पूछ सकती है कि इसको एक बार में कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो एक बार में इसको 6 महीनों के लिए एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। और इसके बाद में अगर हमें 1 साल से भी आगे इसको और एक्सटेंड करना है, तो हमें ये दोनों कंडीशन में से कोई सी फुलफिल होनी चाहिए, या तो देश में कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कह दें कि इस स्टेट में इलेक्शन हो नहीं सकते, अभी हालात ठीक नहीं है, तो आप एक बार जो प्रेसिडेंट रूल है इसी से काम चलाइए। इन दो कंडीशन के बाद ही इसे हम आगे एक्सटेंड है वो कर सकते हैं 6-6 महीनों के हिसाब से, और ऐसे कुल मिला के हम इसे मैक्सिमम 3 साल तक ही कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक ही कर सकते हैं। 3 साल के बाद में प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। इसके दो बाद आपको इन वहाँ पे इलेक्शन है वो करवानी होंगे, या आप बोल सकते हो कि सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि 3 साल के बाद एट एनी कॉस्ट वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ, शांति स्थापित है वो की जाए और वापस से सरकार वहाँ पर बहाल बना के की जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम किसी भी स्टेट में 3 साल तक एप्लीकेबल हो सकता है, और स्टार्टिंग में 60 दिन के लिए होता है। इसके 60 दिन के भीतर भीतर पार्लियामेंट अगले से अप्रूवल दे देती है, तो ये 6 महीने तक तो हो जाता है, और ऐसे 6 महीने करके इसको स्टार्टिंग में 1 साल तक लेके जा सकते हैं। अगर 1 साल से आगे इसको हम एक्सटेंड करना है, तो या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए इंडिया के किसी कोने में या पूरे इंडिया में, या फिर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते इस स्टेट में, उस कंडीशन में इसको मैक्सिमम खींचते खींचते 3 साल तक लेके जा सकते हैं। अब बात क्या होती है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो इसका इफेक्ट एक तो ये होगा कि स्टेट की सारी पावर है वो सेंटर के पास चली जाएंगी, और जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक वगैरह हैं उन पे सेंटर है वो कोई भी आप बोल सकते हो कि ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो जारी कर सकती है, कानून वगैरह बना सकती है, या फिर विधानसभा है उसके कोई कानून को आप बोल सकते हो कि हटा के चेंज वेंज भी कर सकती है। इम्पोर्टेंट चीज़ यह ध्यान रखना कि आपको यूपीएससी पूछ ले कि भाई हाई कोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो हाई कोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट अपने नॉर्मल जैसे काम करता है डेली लाइफ में उसी तरीके से चलता रहेगा, उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है वो किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट की पावर है वो उसके हाई कोर्ट के पास ही रहेंगी और को कंटिन्यू वहाँ पर काम है वो करेगा। अब चलो ये सब तो हो गया, अब हम ये देखते हैं कि वापस घोषणा को मतलब जो भी अनाउंसमेंट हुआ था वापस प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था इसको हटाना है तो क्या होगा। हटाने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, या तो राष्ट्रपति हैं वो खुद ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब राष्ट्रपति शासन है वो इस स्टेट से हटाया जाएगा, तो तुरंत हट सकता है, कोई इसमें ज़्यादा पीएचडी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बस राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट कर दिया तो फिर वहाँ पे सिंपल तरीके से हट जाएगा। कोई भी पार्लियामेंट से मतलब आप बोल सकते हो कि अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि पार्लियामेंट अप्रूवल देगी तभी होगा, राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि हाँ भाई हटाना है तो हट जाएगा, सिंपल सी बात ही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है जो कि ये पूछ सकता है कि इस पे जुडिशरी आप बोल सकते हो कि मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो आप ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब जो 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, यानी कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1975 में, इसमें तो ये प्रावधान किया गया था कि भाई राष्ट्रपति शासन है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं हो सकता। बट हुआ क्या बाद में 1994 की अगर हम बात करें तो एक केस था, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, केस कौन सा था, एस आर बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये चीज क्लियर कर दी गई कि अगर राष्ट्रपति हैं वो सही ढंग से या गलत इरादों से राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो उस दौरान उन पे जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से लगाया है वगैरह वगैरह। तो मतलब अब कुल मिला के बात ऐसी है कि आज के टाइम पे राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अब हम एक छोटा सा इफेक्ट और रह जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट है इन पे क्या इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। तो देखो फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना, प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंजेस है वो नहीं आना है। तो बस ये थी सिंपल सी बात, तो हमने पूरे जो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल को कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया था वो था बोलीविया को लेके। देखो बोलीविया में भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं तो उसी को लेके न्यूज़ आई है, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोलीविया की लोकेशन। बोलीविया है वो साउथ
अमेरिका में है ये, इसके आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। लैंडलॉक कंट्री है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो साउथ अमेरिका में दो ही कंट्री हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, एक तो बोलीविया है और एक यहाँ पे पराग्वे है। दोनों का आपस में बॉर्डर टच होता है, बाकी कोई भी कंट्री है वो लैंडलॉक नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, बोलीविया और पराग्वे दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। और एक फैक्ट और है, बोलीविया और जो पेरू है ना, ये देखो यहाँ पे पेरू दिख रहा है इधर इसमें देखिए, तो इनकी जो बॉर्डर है इस पर एक लेक है, लेक टिटिकाका, ये आप ध्यान रखना, जो कि साउथ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट लेक है। और बोलीविया की जो कैपिटल है उसका नाम है लापांच, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे जो हाई ऊंचाई पर बनी हुई कैपिटल है किसी देश की वो है लापांच। तो ये दो तीन फैक्ट हैं यहाँ को लेके जिसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है स्वच्छ निर्मल तट अभियान के बारे में। देखो न्यूज़ ये थी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने अभी हमारे देश में जो कोस्टल तट हैं, बीच हैं, इनको क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम है स्वच्छ निर्मल तट अभियान। तो इसमें हमारे देश में लगभग 50 बीच हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन पर साफ़ सफाई या क्लीननेस के प्रोग्राम वो चलाए जाएंगे, लोगों को अवेयर है वो किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। टारगेट क्या है? एम ये रखा गया है कि बीच है उनको क्लीन रखना है, लोगों को अवेयरनेस यानी क्रिएट अवेयरनेस है लोगों के बीच में। इसी के साथ ही जो कोस्टल इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, और जो हमारे देश के बीच वाले या आप बोल सकते हो मतलब जहाँ पे कोस्टल एरिया आता है जिन स्टेट और यूटीज में, उन पर यह अभियान है वो चलाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो अभियान चलाया जाएगा निर्मल तट अभियान, ये स्टेट गवर्नमेंट की परामर्श या स्टेट गवर्नमेंट के समर्थन या बोल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद ही वहाँ पे चलाया जाएगा। और इसमें देखा जाएगा कि कौन से स्टेट ने कैसा काम किया है, उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। तो देखो अभी तक तो महाराष्ट्र ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम है वो किया है, खैर अवार्ड अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन डिवीजन एंड सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसी के अंदर आती है ये बॉडी। ये बॉडी इस प्रोग्राम को या निर्मल तट अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और इनमें तीन बीचों को आइडेंटिफाई किया जाएगा बाद में कि कौन से बीच ने अच्छा काम किया है, दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है, तीसरे नंबर पर कौन सा रहा है, उनको अवार्ड से भी सम्मानित है वो किया जाएगा। और जो सारी मॉनिटरिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा रेगुलेट है, मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। तो ये था स्वच्छ निर्मल तट अभियान। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के बारे में। देखो 2019 की ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी गई है। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च कोलाबोरेशन के थ्रू की गई है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में किस चीज़ पे फोकस किया गया है। देखो ये जो रिपोर्ट है 2019 की ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है किस चीज़ का, जो G20 कंट्रीज़ हैं उनका, कि भाई उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर या क्लाइमेट परफॉर्मेंस को लेकर किस तरीके का काम किया है, उनके मैपिंग अचीवमेंट कैसे हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, और उन्होंने कितना अफोर्ड किया है एमिशन को कम करने के लिए, और उन्होंने क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट हैं इनमें क्या क्या मतलब स्टेप उठाए हैं, और ग्रीन और फाइनेंशियल सिस्टम या ग्रीन इकोनॉमी में कैसा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस चीज़ पर को लेके रिपोर्ट है वो जारी की गई है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है इसका मेनली जो फोकस है वो है G20 कंट्रीज़ ने क्लाइमेट चेंज को लेके या क्लाइमेट परफॉर्मेंस को लेके कैसा काम किया है, क्या कहाँ पीछे रही हैं, कौन सी कंट्री ने कितने अच्छे स्टेप उठाए हैं, इन सब को लेके रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो देखो इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट ऐसे आए हैं कि जो कार्बन एमिशन है, जो G20 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट बिग आप बोल सकते हो कि 20 जो बिगेस्ट इकोनॉमी है उनको G20 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो G20 कंट्रीज़ हैं इनके अंडर कार्बन एमिशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि पिछले साल यानी 2018 के मुताबिक 2019 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बढ़ा है, कितना, 1.8%। क्यों? क्योंकि देखो एनर्जी की डिमांड आपको बताया कि लगातार हर कंट्री में बढ़ती जा रही है और G20 कंट्रीज़ हैं वो तो वर्ल्ड की टॉप भी जो बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पे तो वैसे भी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। तो मतलब वहाँ पे जो एनर्जी है बनाई जा रही है उसमें आप ये बोल सकते हो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बढ़ा है। कुछ और अगर हम फैक्ट की बात देखें तो ये बताया गया कि जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसका लगभग 25% जो हिस्सा है वो ही केवल रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जा रहा है, बाकी 75% जो एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस है वो की जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारण बन जाता है।
इसी के साथ इसमें ये बताया गया है कि G20 कंट्रीज़ हैं, इनमें देखो बिल्डिंग सेक्टर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी एमिशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो होता है, तो उसका भी काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अब हम बात करें इंडिया की, देखो ये जो फैक्ट है ना ये आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो और कहीं ऐसे वगैरह, और जैसे आपको ये पूछ ले कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो वहाँ पे आप इंडिया के पॉइंट्स लिख सकते हो कि इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था एग्रीमेंट, इसके तहत जो जो वादे किए थे उनको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने प्रयास तो किए हैं, जितने प्रयास इंडिया को करने थे उतने प्रयास इंडिया ने अभी तक नहीं किए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि करंटली जो हालात हैं पावर सेक्टर में, हम बात करें एनर्जी सेक्टर में, तो इंडिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है वो कर रहा है। इसी के साथ ही ब्राज़ील, जर्मनी है, ये ऐसी कंट्री हैं G20 ग्रुप में जो कि लंबे टाइम के जो रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजी हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। मतलब इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट करने को लेकर अच्छा काम है वो कर रहा है। इसी के साथ ही इंडिया और चाइना हैं वो G20 ग्रुप में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसी हैं इनको लेके काम है वो लगातार कर रही हैं। तो ये आप इंडिया के पॉइंट्स लिख सकते हो कि इंडिया ने कैसा काम किया है, इंडिया कैसे कैसे स्टेप है वो उठा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है डल लेक के बारे में, डल झील के बारे में। देखो डल झील है वो कहाँ पे है, श्रीनगर में। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पे रहता हूँ। देखो डल झील है वो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है आज उसकी सेकंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हो कि लेक है, और जो कि टूरिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ज्वेल ऑफ क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वेल का मतलब होता है रतन, जो आभूषण वगैरह में यूज किए जाते हैं हीर टाइप के, उनको कहता है ज्वेल। तो इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखो जो डल लेक है ये कश्मीर की, या हम बात करें श्रीनगर की, एक इम्पोर्टेंट लेक हो जाती है जो कि कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी यूज की जाती है, फिशिंग हुआ, इसी के साथ ही वाटर प्लांटिंग, जो वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग है उसके लिए यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी इसका यूज है वो किया जाता है। लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है वो है यहाँ पे जबरोन जो माउंटेन वैली है वहाँ पे है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो शंकराचार्य हिल्स की फुट हिल, या जैसे ये शंकराचार्य हिल है इसके इस वाले जो तल वाला हिस्सा होगा यहाँ पे फुट हिल्स हो गई, यहाँ पे स्थित है और चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। तो ये इसकी लोकेशन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये फ्रेश वाटर लेक है, और कश्मीर की या हम बात करें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है इसकी सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। अब न्यूज़ में क्यों आई है, न्यूज़ में देखो इसलिए आई है कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उन्होंने अभी 10 मेंबर की कमेटी सेटअप की है कि भाई डल लेक है इसको एक इको सेंसिटिव जोन है वो डिक्लेयर किया जाए। ऐसा क्यों, ऐसा देखो इसलिए कि डल झील का जो एरिया है वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी या जो फिशिंग जो फिश की प्रजाति पाई जाती है उनकी संख्या भी कम हो रही है, इसलिए इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात है वो की जा रही है। अभी मैं देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन है वो क्या होता है। देखो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसमें कहीं भी इको सेंसिटिव जोन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी गवर्नमेंट जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसमें दो सेक्शन है, एक तो है सेक्शन 3 टू 5 और एक है सेक्शन 5(1). सेक्शन 3 टू 5 में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडस्ट्री या ऑपरेशन वगैरह को मतलब बंद कर सकती है कुछ सेफ गार्ड के आधार पर कि भाई यहाँ पर आपको एक्टिविटी नहीं चलानी है। और सेक्शन 5(1) है वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग सकती, इस इंडस्ट्री की इतनी कैपेसिटी है, यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरिया है इसलिए आप यहाँ पे फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे लिमिट लगा सकती है कि इससे ज़्यादा फिशिंग अलाउ नहीं रहेगी, या यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया के आधार पर लिमिट है कंट्रोल है वो लगाया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी वो इन्हीं दो एक्ट का यूज़ करते हुए, या आप बोल सकते हो कि इन्हीं दो लॉज हैं इनका यूज़ करते हुए इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर है वो करती है। इनकी हमारे जो संविधान में, या हम बात करें कि आर्टिकल में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें कहीं भी इको सेंसिटिव जोन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है जल जीवन मिशन के बारे में। देखो यह जो मिशन है वो अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी कि इसी साल, और इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि हमारे देश में रूरल और अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी जो परिवार हैं, घर हैं, सभी तक 2024 तक वाटर सप्लाई न है, पाइप वाटर सप्लाई है, हर घर में पानी है, पानी है, जल है, वो पहुंचाया जा सके, इसके लिए मिशन है वो लॉन्च किया गया था। देखो इसमें यूपीएससी एक तो आपको ये पूछ सकती है कि ये टारगेट 2020 तक है, 22 तक है, कब तक है।
जैसे कि आपको बताया कि किसानों की इनकम डबल करने का टारगेट है वो 2022 तक का था, वैसे ही सभी के घरों तक पानी पहुंचाने का टारगेट वो 2024 तक का गवर्नमेंट लेके चल रही है। काम क्या होगा इसमें, ये फोकस किया जाएगा कि लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है इसको स्टोर किया जाए और ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जाए इसके बारिश के पानी से ही। इसी के साथ ही जो हाउस होल्ड्स या घरों के पानी की ज़रूरत होती है उसको जो ये बारिश का पानी है इसी से ही वापस इसको रीयूज किया जाए, और या फिर जो वेस्ट पानी होता है उसको रिसाइकिल करके मतलब उसको यूज़ है वो किया जा सके। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आसपास के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प से पानी की जो डिमांड है इसको कंट्रोल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जल जीवन मिशन है वो जारी किया गया है। एक छोटा सा फैक्ट है, फैक्ट ये है कि इंडिया वो वर्ल्ड की लगभग 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के केवल 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में पानी की काफ़ी बड़ी कमी है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ ये है कि नासा ने एक अपना इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया था जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक है, जिसका नाम है यहाँ पे X-57 मैक्सवेल। तो यार ध्यान रखना कि नासा एक पहली ऐसी कंट्री बनी है वर्ल्ड की, या सॉरी यूएसए, यूएसए की जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी नासा, उन्होंने पहला जो अपना इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है X-57 या मैक्सवेल के नाम से, उसको भी ओपनली उन्होंने मतलब आप बोल सकते हो कि सार्वजनिक किया है, अनवील किया है मीडिया के सामने। तो उसी को लेके न्यूज़ है वो आई है, तो यूपीएससी पूछ सकती है X-57 के बारे में या मैक्सवेल के बारे में। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।